रोशन के 10 साल की बेटी को रघु ने किडनैप किया, 10 करोड़ की डिमांड किया। डील कहाँ होने वाली है? सुभाष नगर के पीछे वाले सड़क पे, आज रात 12:15 बजे। रघु बहुत बार चकमा दे चुका है, इस बार छोड़ेंगे नहीं उसे। अभी तक कोई दिखाई नहीं पड़ा। रेडी, कोई नजर आया क्या? अभी तक तो कोई नजर नहीं आ रहा। शंभू के खबर के मुताबिक रघु यहाँ पे 12:15 बजे पहुँचने वाला था। टाइम तो हो गया सर, आता ही होगा। सर एक गाड़ी आ रही है। रोशन है? हाँ सर, यही है। दया, रोशन आ गया। तेरा को भी आता ही होगा। तैयार है ना? बाराती आ गए। क्या सेठ, करेक्ट टाइम पे आया? खाना बिना खा के आया कि घर जाके खाएगा? ये सेठ, तेरा आँख लाल है, रात भर सोया नहीं क्या? बकवास मत कर। मेरी बेटी कहाँ है? बेटी भी मिल जाएगी, पहले पैसे फिर बेटी। कोई चीटिंग बीटिंग तो नहीं किया ना? कितना माल लाया? जितना तुमने बोला उतना लाया हूँ। माल दिखा। नहीं, पहले मेरी बेटी का चेहरा दिखाओ। तू बाप है ना, तो इधर अपन तेरा बाप है। बेटी को जिंदा देखना चाहता है, खोल। ठीक है, तैयार है ना? चल जा, बेटी घर पे आ जाएगी। रुको रुको, मेरी बेटी, मेरी स्नेहा कहाँ है? बहुत सवाल करता रे, उड़ा डाल भेजा इसका। ऑप्शन की जान खतरे में। गाड़ी स्टार्ट कर, गाड़ी कर। रघु, रोशन को संभालो जल्दी। सर। देख उधर से, मैं इधर से देखता हूं। छोड़ो, छोड़ दो मुझे। बहुत हो गया रघु, चुपचाप बताओ मिस्टर रोशन की बेटी को तुमने कहां छुपा रखा है? अच्छा, सीआईडी ऑफिसर तुम, देश के सिपाही तुम, तो एक क्रिमिनल की मदद की क्या जरूरत? खुद ही ढूंढ लो। मैं जानता हूं कि रोशन की बेटी को अगवा तुम ही ने किया है। सिर्फ यही नहीं, मिस्टर सानी का मर्डर, एमएलए श्याम की किडनैपिंग, जेपीएम बैंक में चोरी, इन सब के पीछे तुम्हारा हाथ है। सबूत है तो साबित कर। देख रखो, हमें मजबूर मत कर। मुझ पर तुम्हारी कोई धमकी नहीं चलेगी। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? कुछ साल की सजा, फिर उसके बाद मैं आजाद और तुम बर्बाद। अभिजीत, इससे मैं निपटता हूं, यह ऐसे मानने वाला नहीं है। ऑफिसर दया, हो मैं तो डर गया। तुम लोग मुझे इसलिए डरा रहे हो ना कि मेरे हाथ बंधे। हिम्मत है तो मेरे हाथ खोलो, उसके बाद बताता हूं कि मुंह के साथ साथ और क्या क्या चलाता हूं मैं। ओ ठीक है, बता क्या करेगा? क्या करेगा? हाँ? मार के देखा। अरे धमकी भी दे रहा और पीछे भी जा रहा है। आ गया ना, खत्म करके देखा। यह आवाज कैसी? इंटरोगेशन रूम में से। उठो। क्या हुआ यहाँ पर? रघु नीचे क्यों गिरा हुआ है? वो सर समझ में नहीं आ रहा। इससे हम लोग पूछताछ कर रहे थे, ये अचानक नीचे गिर गया। तुम लोग इससे पूछताछ कर रहे थे और ये अचानक नीचे गिर गया? रघु मर गया है। मर गया? मर गया? कैसे मर गया ये? क्या किया तुम लोगों ने इसके साथ? सर हम लोगों ने कुछ नहीं किया सर, हमारा विश्वास कीजिए। हमें पता नहीं ये सब कैसे हुआ, हमने अभी तक इसके ऊपर हाथ भी नहीं उठाया था सर। तो फिर ये मरा कैसे गया? कैसे मरा ये? पूछताछ करने के लिए रघु को कुर्सी पर बांध के रखा था, फिर खुला किसने किया इसे? किसने खोला? एक्चुअली वो सर वो मैं। क्या हुआ? खून? अभी का खून है। ये खून कैसे है? तुम तो कह रहे थे कि तुमने इसे हाथ तक नहीं लगाया, फिर इससे सिर के पीछे चोट कैसी और ये दीवार पर खून कैसा? सर हम सच बोल रहे हैं सर। अगर आप चाहे तो इस कैमरे का वीडियो फुटेज चेक कर सकते हैं। सर हम लोग इसे डरा धमका के सच उगलवाने की कोशिश कर रहे थे और इतने में मेरा पैर यहाँ इस वायर से टकरा गया और ये कैमरा ट्राइपॉड से हिल गया सर। आप चाहे तो देख ले सर, प्लीज। हाँ आप देख लीजिए। देखूंगा। चुपचाप बताओ मिस्टर रोशन की बेटी को तुमने कहां छुपा रखा है? मुझ पर तुम्हारी कोई धमकी नहीं चलेगी। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? कुछ साल की सजा, उसके बाद मैं आजाद और तुम बर्बाद। इससे मैं निपटता हूँ, ये ऐसे मानने वाला नहीं है। हिम्मत है तो मेरे हाथ खोलो, उसके बाद बताता हूँ कि मुंह के साथ साथ और क्या क्या चलाता हूँ मैं। धमकी भी दे रहा है और पीछे भी जा रहा है, खत्म करेगा ना तुम? ये क्या? वो एक्चुअली हाँ, वो कैमरा नीचे गिर गया था सर, तो बंद हो गया था, ब्लैकआउट हो गया। और इसी बीच दया ने रघु को मार डाला है। मैंने इसे नहीं मारा सर, ये रघु पीछे पीछे जा रहा था, मैं इसकी तरफ आगे बढ़ रहा था सर, मगर मैंने इस पे हाथ नहीं उठाया सर। अच्छा, दया ऐसा नहीं कर सकता सर। तुमने देखा अभिजीत? क्या तुमने देखा? तुम कैसे देखते? क्योंकि तुम तो कैमरा उठाने में फंस गए थे ना। उसी बीच दया ने अपना काम कर लिया। मैंने इसे नहीं मारा। तो फिर ये हुआ कैसे? कैसे हुआ ये? सर, हो सकता है इस रघु का सर टकराया हो दीवार से अंधेरे में। हाँ सर, कमरे में अंधेरा था और वो काफी तेजी से पीछे जा रहा था, तो शायद पैर फिसल गया और दीवार से टकरा गया। अच्छा, मतलब अंधेरे में रघु का पैर फिसल गया और वो दीवार पर जाके टकरा गया है? हाँ सर। एक बात याद रखना तुम दोनों, अगर पता चला कि रघु की मौत तुम दोनों की वजह से हुई है तो मैं ये भूल जाऊंगा कि तुम दोनों मेरे ऑफिसर्स हो। की वजह से एक आदमी की मौत हो गई है, आप बताइए ऐसे? आपको मैडम हमारे सवालों का जवाब देना पड़ेगा। बताइए एसीपी प्रतिमान कहाँ पे है बताइए? सर, इतने सारे रिपोर्टर क्या कर रहे हैं यहाँ पे? रघु की मौत का तमाशा बनाने आए होंगे, इनके एक भी सवाल का जवाब मत देना, ब्रेकिंग न्यूज बनाकर सीआईडी का नाम खराब कर देंगे। सीआईडी के कस्टडी में एक आदमी की मौत हो गई है, बताइए सर इस बारे में आपको क्या बोलना है? क्या आपको नहीं लगता सीआईडी को अपनी पूछताछ का तरीका थोड़ा सा चेंज करना चाहिए? इस बारे में मैं कुछ कहना नहीं चाहता, चलिए जाइए। क्यों सर, आप क्यों चुप रहना चाहते हैं? क्या खामोश रहे कि आप इस सच्चाई में पर्दा डालना चाहते हैं? हमारी तहकीकात चल रही है, आप समझिए। चलिए, सच है कि रघु की मौत के पीछे सीआईडी के दो सबसे सीनियर ऑफिसर्स का हाथ है। सर, कल ह्यूमन राइट्स वाले इस बारे में शहर में बहुत बड़ी आंदोलन करने वाले हैं, आप उन दोनों के खिलाफ क्या एक्शन लेंगे? देखिए, हम अपने तरीके से तहकीकात कर रहे हैं, उन्हीं का पता चल जाएगा तो उसे जरूर सजा होगी, फिर चाहे वो सीआईडी ऑफिसर ही क्यों ना हो। चलिए जाने दो। ये रघु के सर का एक्सरे बॉक्स, यहाँ इसके स्कल के पीछे की तरफ देखो, एक चोट का निशान है। इसका मतलब रघु का सर किसी चीज से टकराया, जिसकी वजह से इसके दिमाग की नस फट गई, खून बहने लगा और वो खून जमा होने लगा, ब्लड क्लॉटिंग। उसी ब्लड क्लॉटिंग की वजह से इस रघु की मौत हुई है। मतलब मौत ब्रेन हेमोरेज से मौत हुई। एग्जैक्टली बॉस। एक बात और बॉस, इस रघु के खून में हमें अल्कोहल के ट्रेसेस मिले। अल्कोहल? हाँ। और आप तो जानते हैं शराब की वजह से इंसान के मसल के रिफ्लेक्सेस बहुत धीमे हो जाते हैं, जिसकी वजह से छोटी सी चोट भी बहुत गहरा, बहुत बड़ा असर करती है। क्यों? तुम्हें पता था रघु ने शराब पी रखी थी? सर, इसके मुंह से शराब की बदबू तो आ रही थी। हो सकता है सर ये शराब के नशे में लड़खड़ाया हो और इसका सर दीवार से टकराया, इसकी वजह से इसकी मौत हो गई। फिर अभिजीत, ये भी हो सकता है कि रघु ने तुम्हारे सवालों को सही सही जवाब नहीं दिए, इसलिए दया ने गुस्से में आकर उसका सिर पटक दिया दीवार पर, और ये सब कैमरा के अंदर रिकॉर्ड ना हो इसलिए कैमरा की केबल भी निकाल दी और कैमरा भी गिरा दी। सर, आप हम पर इल्जाम कैसे लगा सकते हैं? हम तो सिर्फ सच उगलवाने की कोशिश कर रहे थे इससे। और फिर कोशिश कामयाब नहीं हुई इसलिए उसे मार भी डाला। तुम लोगों की वजह से सीआईडी पर सवाल उठाए जा रहे हैं, इतने सालों की इज्जत मिट्टी में मिल रही है। सर, ये कोई साजिश है सर, हमने ऐसा कुछ नहीं किया है। जब हमने इसे गिरफ्तार किया था वो खबरी शंभू हमारे साथ में था। आप चाहें तो उससे पूछताछ कर सकते हैं। उससे तो हम पूछ ही लेंगे अभिजीत, उसकी चिंता तुम मत करना, क्योंकि तुम दोनों इसी वक्त से सस्पेंड किए जा रहे हो, और जब तक तुम दोनों की बेगुनाही साबित नहीं होती ड्यूटी पर भी मत आना। लेकिन सर, अभिजीत मैंने कुछ नहीं किया, मैं सच कह रहा हूं। मैंने इस रघु पर हाथ तक नहीं उठाया। अंधेरे में कब उसका सर दीवार से टकराया, कब उसे चोट लगी, मुझे कुछ नहीं मालूम। मुझे तुम पर विश्वास है दया, मैं जानता हूं तुम इतने लापरवाह नहीं हो सकते, लेकिन एसीपी साहब इन्हें कैसे समझाएं? हम लोग एक साथ इतने समय से काम कर रहे हैं, एसीपी साहब को हमारी बात पे विश्वास क्यों नहीं होता, यकीन क्यों नहीं करते हमारा? उन्हें ये क्यों नहीं लगता कि दया और अभिजीत कभी भी ऐसी गैर जिम्मेदार हरकत नहीं कर सकते हैं? देखो दया, जब एसीपी साहब जज्बाती नहीं हो रहे तो हमें भी जज्बात में नहीं बहना चाहिए। तो दिल से नहीं दिमाग से सोचते हैं, हमें भी दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तुम सही कह रहे हो अभिजीत, मगर ये मुमकिन कैसे है? ये रघु अचानक कैसे मर सकता है? नहीं तो कुछ है जो हमसे छूट रहा है अभिजीत। साळुंखे साहब ने कहा कि उसकी मौत ब्रेन हैमरेज से हुई है। हमें ये पता लगाना चाहिए कि ये ब्रेन हैमरेज की वजह क्या है। एक काम करते हैं, वापस वहीं चलते हैं जहां पे हमने रघु को पकड़ा था। उस रघु को दया हम लोगों ने यहीं पे पकड़ा था। इसका मतलब है हमारे चंगुल में आने से पहले वो यहीं कहीं गिरा होगा और उसे चोट लगी होगी। यही हुआ होगा, क्योंकि इंटरोगेशन रूम में ना तो मैंने उस पर हाथ उठाया और ना ही तुमने। जब हमने उसे पकड़ा था तब भी कहीं चोट वोट का निशान दिख नहीं रहता उसके सर पे। ये हैमरेज हुआ तो हुआ कैसे, यही समझ में नहीं आ रहा अभिजीत। जो कुछ भी हुआ है दया, यहीं कहीं हुआ है। माइक तो कैमरे में लगता है ना, वीडियो कैमरे? लगता तो कुछ ऐसा ही है। सिटी सर्किट इलेक्ट्रॉनिक्स, सीरियल नंबर, डेट 20/10/2012। कल की डेट? मतलब कल यहाँ कोई वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा था। लेकिन हमारी मीटिंग के बारे में शंभू को, रघु को और सिर्फ रोशन को पता था, तो फिर ये चौथा आदमी कौन था जो यहाँ बैठ के हम लोगों की रिकॉर्डिंग कर रहा था? सिटी सर्किट इलेक्ट्रॉनिक्स के हिसाब से ये माइक किसी अभिलाष नाम के आदमी का है, मगर वो वहाँ कर क्या रहा था? अब तो ये अभिलाष ही बताएगा। वहाँ पे इत्तेफाक से था या जानबूझ के हमारी रिकॉर्डिंग कर रहा था। है नहीं क्या? कहीं से पता तो नहीं चल गया कि हम उसे ढूंढ रहे हैं? वक्त बर्बाद करने से फायदा नहीं है दया। अभिजीत, कौन है? क्या तो पूरी दुकान सजा रखी है यहाँ पे? लगता है ये अभिलाष प्रोफेशनल खिलाड़ी है। देखते हैं स्टेप में क्या है। पैसा लाया जितना तूने बताया था उतना लाया हूं। क्या लाया? ये तो कल रात की रिकॉर्डिंग है। चल जा, बेटी घर पे आ जाएगी। रुको रघु, मतलब अभिलाष का वहाँ पे होना कोई इत्तेफाक नहीं था। मेरी स्नेहा कहाँ है? ए, बहुत सवाल करता रहे। उसे मालूम था कि रघु और मिस्टर रोशन कितने बजे मिलने वाले थे और क्यों मिलने वाले थे, मगर उसे ये सब रिकॉर्डिंग करके मिलेगा क्या? मतलब ये अभिलाष भी मिला हुआ है स्टील में। एक फोन लगाना तू। साहब आप लोग यहाँ? एक सवाल का जवाब चाहिए था और उस सवाल का जवाब तुम ही दे सकते। ये बताओ कि उस सवाल का जवाब यहाँ पे दोगे या फिर कहीं और पे? अरे साहब मरवाओगे क्या? अब उनकी अभी अभी नई शादी हुई है, थोड़ा लाइफ को जीने दोगे भी या नहीं? साहब यहाँ बहुत रिस्क है साहब। क्यों, क्या परेशानी है यहाँ? साहब यहाँ सब लोग मुझे जानते हैं, हो सकता है कोई मुझ पे नजर रख रहा हो। तो फिर अपन ऐसा करता है, रात को आप लोगों से मिलता है और आपके सारे सवालों के जवाब भी देता है। ठीक है। कहाँ रह गया ये शंभू? ये आएगा भी या इसने हमें बेवकूफ बना दिया? विनीत, ये शंभू बहुत भरोसेमंद खबरी है, अगर उसने कहा है तो आएगा जरूर। पागल है क्या? आजकल की ये ड्रंक एंड ड्राइविंग के केसेस बढ़ते ही चले जा रहे हैं। माय गॉड, गोली चलने की आवाज। शंभू, तो मर चुका है, लेकिन उन लोगों को पता कैसे चला कि शंभू हमसे आज यहाँ मिलने वाला है? विनीत, शंभू पर और हम पर कोई नजर रखे हुए था। बस, शंभू के शरीर से 2 गोलियां मिली और दोनों गोलियां एक ही गन से चली हैं, 0.45 कैलिबर की गन से। और साळुंखे, इसके शरीर पर से या फिर कपड़ों में से कुछ और मिला जिससे हमें खूनी के बारे में कुछ पता चले? नहीं बॉस, ऐसा कुछ भी नहीं। यार पहले रघु फिर ये शंभू, ये केस तो उलझता ही जा रहा है। सर, रघु और शंभू के अलावा कोई और भी था जिसे इस किडनैपिंग के बारे में पता था। तुम दोनों को कहा था ना इस केस से दूर रहने के लिए, फिर यहाँ किस लिए आए हो? अपनी बेगुनाही साबित करने सर, और ये बताने की शंभू और रघु की मौत के पीछे किसका हाथ है। जो कुछ भी कहना है इंक्वायरी कमीशन के सामने कहो। सस्पेंड किए हुए ऑफिसर्स को इन्वेस्टिगेशन करने का कोई अधिकार नहीं है। सर प्लीज सर, एक बार हमारी बात सुन लीजिए, उसके बाद हम लोग चले जाएंगे सर। सर, हम कोई भी इंक्वायरी फेस करने के लिए तैयार हैं, आप जो कहेंगे हम करेंगे। सर, हम लोग सीआईडी में आप ही की वजह से हैं, आप ही के नक्शे कदम पे चलते आ रहे हैं, तो हम लोग कोई गलत काम कैसे कर सकते हैं सर? दुख इस बात का है सर कि हम पे शक आपने किया। सर, अभिजीत सर और दया सर गलत काम नहीं कर सकते सर। सारे सबूत दोनों के खिलाफ है फ्रेडी। जब तक ये साबित नहीं होता कि ये बेकसूर है, मैं कुछ नहीं कर सकता। ठीक है सर, पर आपसे एक रिक्वेस्ट है। क्या? शंभू मर्डर केस की छानबीन करने की परमिशन दे दीजिए सर। क्यों? अभिलाष के घर से हमें कुछ वीडियो सीडीज मिली है और हमें यकीन है उन सीडीज का शंभू की मौत से जरूर कुछ ताल्लुक है। एक अच्छी खबर है बस, रघु की मौत का असली राज समझ में आ गया है। क्या राज है? रघु की मौत का तो पहले से किसी ने इंतजाम करके रखा था। क्या मतलब? मतलब ये कि रघु के शरीर में किसी ने एक खास किस्म का सीरम इंजेक्ट किया था, ऐसा सीरम जिसकी वजह से ब्रेन हेमरेज हो जाता। इसका मतलब रघु के अरेस्ट होने से पहले ही उसके सिर के अंदर इंटरनल ब्लीडिंग हो रही थी। एग्जैक्टली बॉस, रघु के दिमाग में पहले से ही खून बहने लगा था और जैसे ही उसका सर दीवार से टकराया उसके दिमाग की नस फट गई, खून बहने लगा और इसी वजह से उसकी मौत हो गई। गॉड साळुंखे, तू जानता है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अभिजीत और दया ने रघु को नहीं मारा है। नहीं तो देर किस बात, चलो काम पर लग जाते। कौन से सीडी के बारे में बोल रहे थे तुम? शहर में हो रहे अलग अलग क्राइम की वीडियो रिकॉर्डिंग है सर। सर, ये क्राइम की वीडियो रिकॉर्डिंग करने का मकसद क्या हो सकता है? यही तो पता लगाना है कि ये चक्कर क्या है। सर, ये सारी खबरें तो मैंने किसी न्यूज चैनल पर देखी है। कौन से न्यूज चैनल पर? सर स्पीड न्यूज। तुम्हें पक्का याद है? हाँ सर। एक मिनट, मैं अभी खड़ा हूँ जेपीएम बैंक के बाहर और यहाँ अभी दिन दहाड़े 4 लोगों ने बंदूक की नोक पर बैंक को लूट लिया है। अभी अभी पता चला है कि मशहूर इंडस्ट्रियलिस्ट मिस्टर रोशन की 10 साल की इकलौती बेटी की किडनैपिंग हो गई है। इस न्यूज से जुड़ी हर ताजा खबर हम आपको देते रहेंगे। आप बने रहिए स्पीड न्यूज के साथ। मैं अमित, कैमरामैन अभिलाष के साथ। अमित, अमित नाम है इस रिपोर्टर का। तो अभिलाष की शूट की हुई स्टोरीज को ये अमित सनसनीखेज बना के पेश करता था। अभिलाष, इस अभिलाष पर नजर रखो और अमित को उठाओ। उठाओ अमित को। सॉरी ऑफिसर्स, आपको इंतजार करवाया मैंने। कोई बात नहीं किरण जी। चलिए, व्हाट कैन आई डू फॉर यू? किरण जी, आपके एक रिपोर्टर है अमित। एक केस के सिलसिले में हम उससे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। क्यों, क्या बात है ऑफिसर? कुछ खास बात नहीं है, छोटे मोटे सवाल पूछने उससे। जरा बुलाइए, कहाँ है वो? वो क्या है ना ऑफिसर, अमित अपनी मर्जी से काम करता है। सिर्फ उसी को पता होता है कि वो कहाँ होता है और क्या करता है। वो मुझे भी कुछ नहीं बताता सर। ये कैसे मुमकिन है? उसे असाइनमेंट्स तो आप ही देते होंगे ना? जी नहीं सर, अमित अपनी स्टोरी खुद चुनता है। चैनल में किसी को पता नहीं होता कि वो आखिर किस स्टोरी पर काम कर रहा है। यानी कि आपको उस पर, उसके काम पर पूरा भरोसा है? बिल्कुल सर, अमित हमारे चैनल का सबसे भरोसेमंद रिपोर्टर है। वो अपनी न्यूज स्टोरी खुद बनाकर लाता है और हम उसे टेलीकास्ट कर देते हैं। अच्छा, अगली बार ये अमित ऑफिस कब आएगा ये तो बता सकते हैं आप? हम सॉरी सर, उसका काम खत्म होती है वो मुझसे मिलने आ जाएगा, लेकिन कब ये नहीं बता सकते। कुछ इमरजेंसी हो तो कैसे कॉन्टेक्ट करते हैं आप उसको? उसके घर का एड्रेस तो होगा ना आपके पास? सर, जब वो घर पे रहता ही नहीं तो उसके घर का पता मालूम करके क्या करूंगा मैं? मुझे तो सिर्फ उसके काम से मतलब है ना सर। और जब वो काम में बिजी होता है तो अपना फोन बंद कर देता है, इसलिए मैं भी उसे डिस्टर्ब नहीं करता। ये अमित कोई पत्रकार है या जासूस? हमारी समझ में तो ये नहीं आ रहा कि आपने उसे नौकरी पे रखा है या उसने आपको। आप क्या कह रहे सर, वो इतना बेहतरीन रिपोर्टर है, इतनी धमाकेदार ब्रेकिंग न्यूज लाता है हमारे लिए। तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो ये धमाकेदार ब्रेकिंग न्यूज कैसे लाता है ना? माफ कीजिए सर, मैं समझा नहीं। बहुत जल्द समझ में आ जाएगा। फिलहाल अगर वो ऑफिस में आए या उसका कोई फोन आए तो आप हमें इन्फॉर्म कर दीजिएगा। श्योर सर। सर, मुझे लगता है इस अमित का गुनहगारों के साथ कोई गहरा कनेक्शन है, जिसकी वजह से वो अपने चैनल को ये क्राइम की रिपोर्ट सबसे पहले कर देता है। तो मुझे शक है कि अमित और अभिलाष ने मिलकर शंभू का खून किया है, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं ये शंभू उनके काले कारनामों के बारे में सीआईडी को कुछ बता ना दे। और शायद इसी वजह से इन दोनों ने मिलकर रघु को भी अपने रास्ते से हटा दिया। यानी कि दोनों की मिली भगत है। और क्या, ये अमित रघु के साथ मिलकर गुनाह की साजिश करता था, फिर मौका वारदात पे अपने कैमरामैन अभिलाष के साथ पहुंच के जुर्म को होते हुए रिकॉर्ड कर लेता था। ये खबर बाकी के लोगों तक पहुंचने से पहले उसे ब्रेकिंग न्यूज बनाकर स्पीड चैनल पे ब्रॉडकास्ट कर देता था। सर, वो दोनों ये सब अपने फायदे के लिए कर रहे हैं या कोई और है जो ये सब उनसे करवा रहा है? सब पता चल जाएगा फ्रेडी, बस एक बार पता चल जाए ना इस अमित और अभिलाष के बारे में, बस। सर, अमित और अभिलाष दोनों का फोन स्विच ऑफ आ रहा है सर। सर, यहाँ तक कि उन्होंने ऑफिस में किसी से कांटेक्ट करने की कोशिश भी नहीं की। सर, उन दोनों के घर का भी कुछ पता नहीं चला। दोनों चूहे किस बिल में छुपके बैठे हैं, पता कैसे चलेगा? जिस तरह से चूहों को बिल में से निकालने के लिए हम उनके पिंजरे में रोटी का टुकड़ा डालते हैं ना, बस उसी तरह इस अमित और अभिलाष को बाहर निकालने के लिए एक सनसनीखेज खबर डाल देते हैं। प्लीज क्वाइट, प्लीज बी क्वाइट। मेरा आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग शांति बनाए रखें। प्लीज बी क्वाइट, प्लीज बी क्वाइट। अब एक एक करके सवाल पूछिए, पूछिए। मिस्टर श्रीधर, आप न्यूज 365 के मुख्य संपादक हैं। पहले तो आप ये बताइए कि आपने अचानक ये प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों बुलाया? बहुत ही खास वजह है। हमारे न्यूज चैनल न्यूज 365 के पास ये पक्की खबर है कि टीआरपी रेटिंग के साथ दूसरे चैनल खिलवाड़ कर रहे हैं। हम आपके कहने का मतलब कुछ समझे नहीं। आप किसकी ओर इशारा कर रहे हैं? जो लोग गलत काम कर रहे हैं उनकी ओर। हमारी सूचना के मुताबिक एक नामचीन न्यूज चैनल के दो कर्मचारी जो झूठी और सनसनीखेज खबर बना के अपने न्यूज चैनल पे प्रसारित करते हैं। आप बताएंगे क्या ये सच है? जी हाँ, ये बिल्कुल सच है। ये दोनों शख्स शहर के गुनाहगारों से मिलकर झूठे गुनाह का संचालन करते हैं। इस तरह के झूठे गुनाह जैसे कि बैंक में डकैती, घर में चोरी, यहाँ तक कि मासूमों को अगवा किया जाता है। फिर ये दोनों जालसाज पूरे वारदात को रिकॉर्ड करते हैं और उसी रिकॉर्डिंग को अपने न्यूज चैनल में ब्रेकिंग न्यूज बनाकर पेश करते हैं। सबको ये दोनों हमारे देश की जनता को, टीवी देखने वाले दर्शकों को बेवकूफ बना रहे हैं। आपको तो इन दोनों का पर्दाफाश कर देना चाहिए। मैं इन दोनों के नाम भी जानता हूँ और इन दोनों को अच्छे से पहचानता भी हूँ। अगर आप उन दोनों ढोंगी पत्रकारों के नाम जानते हैं तो हमें बता क्यों नहीं देते? क्योंकि मैं पहले इन दोनों के नाम इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर और पुलिस को बताना चाहता हूं कल सुबह। नहीं नहीं मिस्टर मनोज, मैंने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में वही कहा था जो सच है। तो फिर मुझे किस बात का डर? नहीं नहीं, आप मेरी चिंता मत कीजिए। ओके ओके ठीक है। हेलो हेलो, अरे भाई फोन किया है तो बात क्यों नहीं करते? हेलो, पता नहीं इस तरह परेशान करके लोगों को क्या हासिल होता है। कैसे टूटी? मैं अभी खड़ा हूँ जेपीएम बैंक के बाहर। चार लोगों ने बंदूक की नोक पर बैंक को लूट लिया है। अभी मैंने तो पता चला है कि मशहूर न्यूज 365 चैनल लगाया था। 10 साल की एक लौटी बेटी स्पीड चैनल किसने लगाया? हमने एडिटर्स के अनुसार इस किडनैपिंग के पीछे किसी प्रोफेशनल गैंग का हाथ है। शहर में नाकाबंदी कर दी गई है। आप लोग यहाँ क्यों आए हो? बड़ी बड़ी क्राइम की रिपोर्टिंग छोड़कर आपके पास रिपोर्ट करने आना पड़ा। बहुत उतावले हो रहे हैं एडिटर्स। मिनिस्टर और पुलिस के सामने हमें एक्सपोज करने के लिए, मगर अफसोस अब तुम किसी के पास पहुंच नहीं पाओगे और तुम्हारे न्यूज 365 में कल की ब्रेकिंग न्यूज होगी चैनल 365 के चीफ एडिटर की अचानक। देखिए मुझ पर रहम कीजिए, मैं आप लोगों को वो सारे वीडियोस दे देता हूँ। अब आया ना लाइन पे। कहाँ रखा वो वीडियो टेप? जल्दी उस कमरे में। चलो चलो आओ। अभिलाष क्या हो तुझे? CID। हम आपको आगे बताते हैं आज के मौसम की ताजा जानकारी। इसके लिए हम चलते हैं रिपोर्टर रेणु के पास। बहुत शौक है तुम लोगों को ब्रेकिंग न्यूज बनाने का। अब हम बनाते हैं तुम्हारा ब्रेकिंग न्यूज। तूने CID के साथ मिलकर मैं फंसाया। क्या तुम लोग झूठे क्राइम कर सकते हो तो तुम्हें पकड़ने के लिए हम लोग झूठी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते? अब ये बताओ कि मिस्टर रोशन की बेटी स्नेहा को कहाँ छुपा के रखा और जल्दी बता वरना तुम दोनों की हड्डियां तोड़ने में ज्यादा टाइम लगेगा। सर 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 मानना मत सर, सर मानना मत सर, हम सब कुछ सच सच बताते हैं सर कि बच्ची कहाँ है और हम किसके लिए काम करते हैं सर। अमित मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहा? अमित और अभिलाष पकड़े तो नहीं गए? सही कहा तुमने। CID तुम लोग बिना परमिशन के अंदर कैसे आ गए? सॉरी। नॉक नॉक। एक्सक्यूज मी, क्या हम लोग अंदर आ सकते हैं? हा? ये शराफत शरीफों के घर के लिए ठीक है, तुम जैसे मक्कार फरेबी के अड्डे के लिए नहीं, समझे? अच्छी कहाँ है? मेरे पास नहीं। अच्छा, अच्छे तरीके से घर चेक करो, देखो कहाँ है बच्चे। देखो। रिलैक्स रिलैक्स ऑफिसर, जरा सोचो कि मुझे पकड़कर तुम्हें क्या मिलेगा। ये छोटी सी शाबाश बस, लेकिन अगर मुझे छोड़ दिया तो मैं तुम्हें मालामाल कर दूंगा। ओह, तो तू हमें मालामाल करेगा? हाँ? मुंह मांगी रकम दूंगा, जितनी हैसियत है तुम्हारी मांगने की, मांग लो। देख, मेरा दिमाग गर्म है, बता बच्ची कहाँ है तो भेजा उड़ा दूंगा तेरा। नहीं, देखो रघु की मौत का इल्जाम अभी भी हमारे ऊपर है, तुम एक और आदमी को मारने चले हो। नहीं अभिजीत, एक खून की सजा फांसी और 2 खून की सजा भी फांसी होती है, तो सच्चा एक और अपराधी को मार के मैं फांसी पे चढ़ जाऊंगा। जाने दो सर, सारा घर छानना, लेकिन बच्ची कहीं भी नहीं। देख मैं मजाक के मूड में नहीं हूं, बता वो बच्ची कहाँ है? नहीं बता तो क्या करोगे? जो मार दोगे? मार दो, फिर तो बच्ची तुम्हें कभी नहीं मिलेगी। समझदारी इसी में है कि मुझे जाने दो, बच्ची तुम्हें मिल जाएगी। वो ऐसे नहीं मानेगा। नहीं जाने दो, नहीं मानेगा, जाने दो। पता कहाँ है बच्ची? स्नेहा 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 और जिंदा है। टीवी मीडिया की दुनिया ही अलग होती है, बहुत कंपटीशन है यहाँ पर। जिस चैनल ने सबसे पहले न्यूज रिपोर्ट की, सबसे ज्यादा TRP उसी को मिलती है। अब बिना TRP की स्पॉन्सर पैसे देने को तैयार ही नहीं होते। और तुमने सोचा क्यों ना खुद की सनसनीखेज खबरें बनाई जाए। और क्या करता स्पीड न्यूज चैनल को बनाने में मैंने अपना सारा पैसा लगा दिया था, और अब लो TRP की वजह से चैनल बंद होने वाला था, इसीलिए क्राइम्स की एक्सक्लूसिव फुटेज दिखाकर मैं अपने चैनल को बचाने की कोशिश कर रहा था। रघु ने सारे गुनाहों में तुम्हारा साथ दिया, तो फिर तुमने रघु को क्यों मार डाला? रघु दिन ब दिन लालची होता जा रहा था, हर काम के दुगने पैसे मांगने लगा था, और CID तक उसी खबर भी पहुंच गई थी। CID उस तक पहुंचे उससे पहले मैंने उसे सीरम का इंजेक्शन दे दिया, ताकि धीरे धीरे कुछ देर में उसकी मौत हो जाए। और वही हुआ, इंटरोगेशन रूम में रघु ने दम तोड़ दिया। और शंभू को क्यों मारा तुमने? शंभू को अमित के बारे में पता चल गया था, वो CID का खबरी भी था, इसलिए मैंने उसे भी मार डाला। न्यूज चैनल समाज का आईना होता है, और तुमने उसी आईने को तोड़ दिया। न जाने कितने गुनाह करवाए और दिखाए सिर्फ पैसे कमाने के लिए। अब तुम्हारे गुनाहों की खबर सारे न्यूज चैनल में दिखाई जाएगी। ले जा इसे। कैसे हो बेटा? थैंक यू अंकल। थैंक यू। चलो जल्दी से तुम्हारे पापा के पास चलते हैं। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज।